फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताया करिए आप लोग कैसे हो। और आज मैं लंच बना रही थी, बहुत ही अच्छी रेसिपी, बहुत ही यम्मी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। इसके लिए मुझे शिमला मिर्च चाहिए और आलू चाहिए, उबले हुए आलू चाहिए। शिमला मिर्च आप मीडियम साइज़ के ले सकते हैं। और मसाला डेली यूज वाला ही चाहिए, कुछ नया नहीं चाहिए। हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च और सौंफ और थोड़ी सी हींग चाहिए, चुटकी भर की हींग चलेगी। और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम ले लेंगे, नमक और ऑयल जिस तरह से हम खाते हैं वो ऑयल ले लेंगे। मैंने तो मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो आप खाते हो। अब मैंने एक तरफ पैन गरम किया है, देखिए इस तरह से। जब तक ये गरम हो रहा तब तक देखते हैं मेरी दाल पक गई है। दाल भी मेरी हो गई है रेडी। और लंच में तो सब कुछ बनाना होता है ना, अब तो सब चीज़ फटाफट बनानी पड़ती है किचन में आके। और बच्चों की भी छुट्टी हो गई ना, तो उनको भी देखना होता है, तो सब सारा काम खुद को करने में लगता है ना थोड़ा, कि एक बार में किचन में और सारा काम निपटा लो। देखिए मैंने तेल डाला है, तेल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पूरे में लगा लेंगे। और उसके बाद डालेंगे सौंफ, सौंफ के बाद डालेंगे थोड़ी सी हींग, हींग के साथ। अब पक जाने के बाद जब सब वो पक जाएगा तो सारा मसाला इकट्ठा डालेंगे और गैस को कर देंगे एकदम सिम पे गैस होनी चाहिए, तेज हमें गैस को नहीं करना है। और थोड़ा सा अमचूर डालना है, अब हमें इसमें अमचूर पाउडर मिक्स कर देंगे। जब मेरा मसाला आधा पक जाएगा उसके बाद हम डालेंगे अब अमचूर पाउडर। अब गैस एकदम धीमी कर देंगे और आलू को मिक्स कर, इस तरह से हमें मैश करना है और मैश करके इसमें डाल देना है। अब इसको चलाते रहना है हमें, चलाते रहेंगे। और उसके बाद नमक को डाल देंगे थोड़ा सा, आलू पक जाने के बाद ही, जब अच्छे से मसाला और आलू मिक्स हो जाएगा तब नमक को डालेंगे। और नमक डालने के बाद भी हम अच्छे से इसको अब चलाएंगे। देखिए अब इसको हम ढक देंगे, थोड़ी सी स्टीम हो जाएगी ना इस पर, तो बहुत अच्छे से ये पक जाएगा, क्योंकि सारे मसालों का जो टेस्ट है ना वो इसमें आ जाएगा। ढकने के बाद जब स्टीम बन जाती है ना, सारे मसालों का टेस्ट आलू में आ जाएगा। अब गैस को कर देंगे बंद, बंद करके इसको अब हम रखेंगे ठंडा होने के लिए। किसी प्लेट में निकाल लेंगे और ये ठंडा हो जाएगा, आप किसी प्लेट में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो और इसके बाद हम करेंगे इसका आगे का प्रोसेस जो हमें करना है। देखिए मैंने शिमला मिर्च लिया है, ये अच्छे से वाश करके आप लीजिए इसको। और अब इसको कट करके इसके बीच वाले सारे पार्ट हमें निकाल देने हैं, जो ये देखिए बीज होंगे या व्हाइट वाले जो पार्ट्स होते हैं ना, सब कुछ हमें निकाल देने हैं, सारे सारे पार्ट निकाल के अब रख देने हैं इस तरह से। बीज वाले सारे पार्ट निकाल देंगे, क्योंकि मिर्च होती ना तो कभी कभी तीखा लगता है ना बच्चों को फिर, तो इसलिए बच्चों के लिए ही हमें निकाल देना है। इधर से पूरा ही निकाल देंगे, जितना हमारा बीज का होगा पूरा साफ कर लेंगे अच्छे से। इसी तरह से हम जितनी शिमला मिर्च का हमें बनाना है उस सारी शिमला मिर्च को हम निकाल हटा सब साफ करके रख लेंगे। अब क्या करना है, जो ये मेरी आलू है ना, ये आलू देखिए ठंडी हो गई है, अब इसका क्या करना है, एक पतला पतला सा बना लेना है इस तरह। देखिए इस तरह से हाथ से करते हुए हमें पतला कर लेना, जिससे जब शिमला मिर्च में भरेंगे ना तो ये नीचे तक अच्छे से जाएगा, हमारा पतला रहेगा ना तो नीचे तक इजीली पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ी बात है ना, इसको भरना बहुत ज़रूरी है, पूरा भर देना है एकदम अच्छे से दबा दबा के, हमें इसको अच्छे से फिल करना है, कहीं से भी जगह नहीं खाली होनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि इसमें कर्व होता है ना, तो कर्व के पास आलू पहुँचना बहुत ज़रूरी है, और नहीं पहुँचेगी तो बाद में खुल जाता है, जिसलिए इसको अच्छे से पूरा कर्व तक पहुंचना इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हम इसको इस तरह से गोल गोल बना के भरते हैं, जिससे नीचे तक अच्छे से पहुंच जाए, और ऊपर वाला तो हम ऊपर से दबा के भर देंगे। अब इसी तरह ही हमें जितने हमें शिमला मिर्च का बनाना है उतना हम भर के इकट्ठा ही रख लेंगे। अब उसके बाद एक पैन में तेल डालेंगे और तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, ज़्यादा नहीं गर्म होना है,
थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हाथ से देखेंगे थोड़ा सा लगने लगेगा कि हाँ गर्म हो गया है। देखिए इस तरह से हाथ से देख लीजिए, अपने आप पता चल जाता है थोड़ा सा गर्म हो रहा है वो। तो अब क्या करेंगे, थोड़े थोड़े पीस हम कट करेंगे, मुश्किल से एक एक इंच की पीस हमें कट करनी है शिमला मिर्च की। तो इस तरह से देखिए एक एक इंच की पीसेस पे हम अब कट कर लेंगे, जो शिमला मिर्च हमने भरा था उन्हीं को हमें एक एक इंच की पीसेस पे कट कर लेना है। इस तरह से इजीली कट हो जाते हैं, बहुत टाइम भी नहीं लगता है और फटाफट कट भी हो जाते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि हाँ इजीली आप काट दो, इसको भर दो, इसको अच्छे से भरना ही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि भर ही जाएगा अच्छे से तो फिर ये कट भी जाएगा, और अगर खाली होगा तो फिर ये अच्छे से नहीं कटेगा, ये तो आप मान फिर वो शेप अच्छा नहीं आएगा इसका। देखिए जितना आपका एक बार में आ जाए उतना आप कट कर लीजिए, या आप पूरा भी कट करके रख सकते हैं। तो अब देखिए तेल मेरा गर्म हो गया है, अब तेल में हम डाल देंगे जो कटे हुए हमारे शिमला मिर्च के पीसेस थे, इन्हें हम इसमें डाल देंगे। जितना एक बार में इजली आ जाए उतना हम डाल देंगे। ये देखिए मैंने सारे आधे से ज़्यादा मेरा आधा हो गया है, आधा आ गया है। अब इसको ढक देंगे, मुश्किल से 2 से 3 मिनट के लिए हमें ढकना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं ढकना है। 2 से 3 मिनट में सिम आँच पे इसको ढकना है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है सिम आँच पे इसको रखना है, आँच को तेज़ नहीं करनी है बिल्कुल भी, सिम आँच पे रखना है और इसको ढक देंगे। 2 मिनट से 3 मिनट के लिए ही ढकेंगे, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा, नहीं तो ये अच्छा टेस्ट नहीं आता है, इसलिए हमें इसको ढकना है इस तरह से। देखिए मेरा हो गया है इस तरह से, जब हो जाएगा तो सबको पलट देंगे। अब पलटने के बाद जितनी जगह बची है इसमें इसमें और हम डाल देंगे। देखिए ये हल्का सा पतला सा जब धीमा करके रखते हैं ना तो पतली सी हल्की सी लेयर बन जाती है, सबसे अच्छी लगती है वो, और तेज़ करेंगे तो वो जल जाएगा, वो लेयर नहीं आएगी, ब्राउन हल्की सी ब्राउन सी लेयर आ जाती है। ये कितना आप साथ के साथ हमें बनानी है सलाद। देखिए मैंने सलाद को कट भी कर लिया, खीरे को, और इसमें डाल दिया चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, थोड़े से नींबू डाल के इसको बहुत टेस्टी बन गया, खाने लायक हो गया है वो, अब हम उसको खाएंगे। देखिए मेरा पक भी गया है ये, देखिए इस तरह से दोनों साइड से पक गए हैं अच्छे से, जो पक गए हैं उनको निकाले। 2 से 3 मिनट लगता है, मुश्किल से 4 मिनट में एक बार का पूरा सेप निकल जाती है, ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है इसमें, क्योंकि वैसे भी शिमला मिर्च पकने में बहुत टाइम नहीं लेता है, तो आलू पहले से ही पकी हुई है, बस उस पर हल्की सी लेयर बनानी है हमें। अब जो हमारा और पकाना था उसको भी हम सेकंड वाला भी डाल देंगे, जो दूसरी साइड का था वो भी। देखिए ये भी हो गया है मेरा, जो हो गए हैं उनको भी निकाल लेंगे। अब जब तक ये हो रहा है तब तक अब हम चलते हैं ना आगे, और भी तो कुछ बनाना है ना, उसको भी बना के रख देते हैं, इसको ढक देंगे। और साथ के साथ देखिए मेरी दही कितनी अच्छी जमी है, बहुत अच्छी दही जमती है। तो अब हमें दही का रायता बनाऊंगी, फटाफट बनने वाला रायता आपको बताती हूँ मैं। दही को एक बाउल में बड़े निकाल लीजिए और इसको अच्छे से फेंट लीजिए, और इसमें थोड़ी सी शुगर डाल लीजिए, मुश्किल से 1 स्पून मैंने शुगर डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर हमें डालना है, नमक डालना है, रॉक साल्ट या फिर ब्लैक सॉल्ट ये डालना है हमें, ये डाल देंगे और इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब देखिए मैंने लिया है पुदीना की पत्तियाँ, बारीक बहुत नहीं काटनी है, मीडियम साइज़ की चॉप होनी चाहिए, इसे डाल के मिक्स कर देंगे। अब इसके बाद हमें प्याज को काटनी है, प्याज भी बारीक कटी हुई होनी, प्याज बारीक कटी हुई होनी चाहिए, इसको भी डाल के मिक्स कर देंगे। देखिए मिक्स करने के बाद अब हम 4 से 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, 4-5 मिनट के लिए, बस थोड़ा सा ठंडापन आ जाए इसमें, क्योंकि दही तो पहले से ही ठंडी होती है, तो थोड़ा सा ठंडापन आ जाएगा। तब तक देखिए मेरा ये भी रेडी हो गया है, ये भी बन के सारा ही बन गया है ये मेरा। अब साथ के साथ बनानी है रोटियाँ, चावल भी, चावल एक तरफ पक रहा है, दाल होने के बाद मैंने चावल भी चढ़ा दिया था, अब चावल पक गया, रोटियाँ भी मैंने देखिए बना लिया है सबका, अब सबको भूख भी लग गई है। अब देखिए किचन इतनी गंदी हो जाती है ना, तो उसको भी साफ़ करना इंपॉर्टेंट होता है ना, वो तो हमें को करना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, भर भर शिमला मिर्च, रायता, दाल, रोटी, सलाद, सब कुछ बन के रेडी हो गया है, चावल अभी कुकर में ही है। तो देखिए आप भी बनाइए, कभी भी फटाफट बनने वाली रेसिपी है, कभी भी ट्राई कर सकते हैं। कोई जैसे होता है ना, कभी खाना बन गया है, कोई गेस्ट आ गया, देखिए चावल अभी भी कुकर में ही रखा है क्योंकि वो गर्म ही रहेगा। तो हमें बनाना होता है ना, कई वैरायटी बनानी होती है, तो उसमें एक ये ज़रूर शामिल करिए, बहुत अच्छी और बहुत पसंद आने वाली है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। तब तक हम जा रहे हैं लंच करने, बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, बाय।